हम तो चले हवाई। डिंग डिंग। सुनो दोस्तों सुनो, पता है इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं हवाई जा रहा हूँ। क्या बात कहनी जी, फिर तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। ओ हवाई जा रहे हो? मैं भी इस बार की छुट्टियों में हवाई जा रहा हूँ। मेरी तो शायद ये वहाँ की 10वीं विजिट होगी। 10वीं विजिट? तुम इतनी बार जा चुके हो नारिकिन, ये बहुत अमीर है, कितनी भी बार जा सकता है। ऐसा मत कहो, मैं भी तुम सबकी तरह एक आम बच्चा हूँ। मन करता है घूसा मारकर दांत तोड़ दूँ। केनी जी, तुम तो पहली बार हवाई जाओगे ना? हाँ। तो ठीक है, वहाँ देखने लायक अच्छी जगह और टेस्टी खाना कहाँ मिलता है इसके बारे में पूछ लेना। नहीं रहने दो, गाइड बुक में सारी जगह होंगी। हाँ तो केनी जी, टेस्टी खाने के बारे में तुम जान लो। हवाई में सबसे अच्छा खाना मिलता है रूसी रेस्टोरेंट में। वहाँ का गर्मा गर्म खाना इतना टेस्टी होता है कि लोग अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। वो क्या है? वॉटर स्पोर्ट्स के लिए अगर जाना हो तो मैं कहूँगा कि जेट स्प्रे राइड जरूर करना। पानी का प्रेशर तुम्हें जमीन से ऊपर उठा देता है। वहाँ के खूबसूरत सनसेट को देखना मत भूलना, उस वक्त कोहरा बीच की रेत का रंग भी बदल जाता है। वाह बढ़िया। हाँ सच में, मैं भी इस खूबसूरत जगह जाना चाहती हूँ। केनी जी, वहाँ की फोटो खींच कर लाना और हमें दिखाना। केनी जी, मैं भी वो फोटो देखूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत सारी फोटो खींच कर लाऊंगा और तुम सबके लिए भी कुछ लाऊंगा। थैंक यू सो मच केनी जी। मैं तो गहरी सोच में डूबा हूँ। नहीं पापा, गहरी सोच में तो मैं डूबा हूँ। पता है आज मेरे स्कूल में सब लोग हवाई की बातें कर रहे थे। तुम उस ट्रिप की बात कर रहे हो? हाँ, और मैं भी। मैंने अपने पड़ोसियों को हमारे जाने के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा कि पिंक सनसेट देखना मत भूलना। हाँ मम्मी, वो सनसेट कोहरा बीच पर होता है। पिंक कलर का सनसेट कैसे हो सकता है केनी जी? बल्ले भाई, ये देखो ऐसा होता है। ये तो बहुत ही सुंदर है शिंजो। मैं यहाँ घर की देखभाल कर लूँगा, आप लोग घूम कर आइए। मैं तो वहाँ जाकर वहाँ के फेमस पैनकेक्स और थिक जूसी स्टिक्स खाऊंगा। बहुत मजा आएगा। मुझे तो डॉल्फिन्स देखनी है, अंडर वाटर डाइविंग, जेट स्प्रे, बनाना बोटिंग भी करूंगी। ठीक है ना पापा? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। और फिर मैं वहाँ से हमारे पड़ोसियों के लिए कोई गिफ्ट भी लाऊंगी। और हाँ, बॉस ने भी कहा है कि वहाँ से स्पेशल मिठाई लेकर आना, तो वो तो लाना ही पड़ेगा, है ना पापा? क्या बात है, आपके तो पसीने छूट रहे हैं, क्या हुआ पापा बताइए? हमारा हवाई ट्रिप कैंसिल हो गया है। अब मेरी कंपनी के बॉस खुद अपनी फैमिली के साथ हवाई जा रहे हैं। क्या? लेकिन मैंने तो अपने स्कूल में ढिंढोरा पीट दिया कि मैं सबके लिए कुछ लाऊंगा। अब मैं क्या लेकर स्कूल जाऊंगा बताइए मुझे। सॉरी बेटा। अब स्कूल में मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और वो नारिकिन तो मजाक बनाकर मेरा पोस्टर छपा देगा और युमी को तो मुझसे बात भी नहीं करेगी। ये एक्साइटमेंट पर तो पानी फैल गया। मेरे भी। क्यों ना हम सब मिलकर इस जगह को ही हवाई बना दें? हाँ, ये तुम कैसे करोगे? अगर आप सब मेरा साथ दे तो हम बिना कहीं जाए यहीं पर हवाई का मजा उठा सकते हैं। सुनने में तो ये मजेदार है, मैं साथ दूंगा। फिर तो मैं भी आपके साथ एंजॉय करूंगा। हम एक से बढ़कर एक टेस्टी खाना बनाएंगे। हाँ सच में, मैं भी सबकी हेल्प करूंगा और जाकर सबके लिए हवाई शर्ट लेकर आऊंगा। कितनी अच्छी बात है ना कि यहाँ से कहीं जाए बिना ही हम हवाई का मजा उठाएंगे। अलोहा। चलो अच्छा है, आज तो यहाँ का मौसम भी बिल्कुल हवाई जैसा है। मैं इन यादों को अपने कैमरा में कैद कर लेता हूँ। कहीं हम इन कपड़ों में छोटे बच्चे तो नहीं लग रहे? सब लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हैं पापा। बिल्कुल सच कहा तुमने, सच में तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो मम्मी। थैंक यू पापा। मुझे तो हवाई का फील भी आ रहा है। तो सबसे पहले हमें टेस्टी खाने के लिए रूशी रेस्टोरेंट जाना होगा। मम्मी, मुझे कुछ स्पेशल खाना है। ठीक है केनी जी, अभी बना कर लाती हूँ। क्या बात है, मजा आएगा। मम्मी, तब तक हम लोग रेस्टोरेंट बना लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। शिशिमानो काम शुरू कर लो। ठीक है शिंजो। तुम दोनों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया। केनी जी, जरा मुझे वो गाइड बुक दिखाना, मुझे पेंटिंग करनी है। ले लो। डिंग डिंग। अब मेरी समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। पेंटिंग करने की निंजा टेक्निक। क्या बात है हथौड़ी,
तो कैसी लगी ये पेंटिंग? तुमने तो कमाल कर दिया। चलो अब हम सब मिलकर टेबल्स लगा देते हैं। यस सर। अब ठीक है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फोटो जैसा है। लो, गर्मा गर्म लजीज खाना भी तैयार है। वाह, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। रुको, पहले मैं इसके फोटो लूंगा, ठीक है? शिनजो, जरा पोज दो। कितनी अच्छी फोटो है, हवाई का फील दे रही है। पापा, अब आपकी बारी। शिनजो, शिशिमानो। अब आपकी फोटो कितनी अच्छी है। अब जब मैं स्कूल में ये फोटो अपने दोस्तों को दिखाऊंगा तो वो सच में मान लेंगे कि मैं हवाई गया था। लेकिन मैंने सबको कहा था कि शिशिमानो को हम नहीं ले जा रहे। शिशिमानो, तुम थोड़ा राइट में हो जाओ प्लीज। ठीक है कनकी। ये फोटोज खींचने में मुझे कितना मजा आ रहा है। चलो अब एक ग्रुप फोटो हो जाए। शिशिमानो, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ प्लीज। हर बार मुझे ही। हाँ, स्माइल प्लीज। बोलो चीज। चीज। हाँ, सब लोग जूते पहनना भूल गए, फिर से फोटो लेनी होगी। मैं चाहता हूँ सब कुछ वैसा ही दिखे कि हम सच में हवाई में हैं, ठीक है? लेकिन खाना ठंडा हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करो केनिची। हाँ, बस हो ही गया। रेडी। शिशिमानो, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ। बार बार मैं ही क्यों? मजा आ रहा है। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जेट स्प्रे राइड, पेंटिंग करने की निंजा टेक्निक। शुरू करते हैं। वाह, ये तो बिल्कुल असली बीच जैसा लग रहा है। शानदार है। इसके स्मेल से लग रहा है कि हम लोग बीच पर हैं। सही कहा तुमने शिशिमानो। तो चलिए जेट स्प्रे राइड शुरू करते हैं। मम्मी, मम्मी से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। शुरू करते हैं। मैं कितनी ऊपर आ गई हूँ, बहुत मजा आ रहा है। परफेक्ट पोज है। शिशिमानो, तुम जरा मेरी फोटो खींचो। ओके, जाओ, रेडी हो जाओ। ध्यान रखना, फोटो एकदम साफ आनी चाहिए, लगना चाहिए कि हम सच में हवाई में मजे कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, समझ गया। शिशिमानो, चलो मेरी फोटो लो। ओके, स्माइल, इधर देखो। अच्छे से खींची ना, मुझे दिखाना तो जरा। ये क्या, इस फोटो में तो पड़ोस का घर दिख रहा है। फिर से फोटो लो जरा। ओके, रेडी। तो चलो, अब बारी है खूबसूरत पिंक सनसेट के सीन की। हाँ, लेकिन जल्दी करो क्योंकि अंधेरा होने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले ऊपर से शुरू करता हूँ, पेंटिंग करने की निंजा टेक्निक। कैसा लग रहा है ये पिंक सनसेट? बेमिसाल है। इसे देखकर तो बहुत लाजवाब लग रहा है। सही कहा आपने पापा। ठीक है, तो सब रेडी हो जाओ। शिशिमानो, तुम थोड़ा इस तरफ आ जाओ। बार बार मैं ही जाऊं। केनिची, आखिर बात क्या है? मैं शुरू से देख रही हूँ तुम शिशिमानो को कभी इधर कभी उधर कर रहे हो। नहीं नहीं मम्मी, कुछ नहीं, फोटो खींचते हैं। शिशिमानो हटो, एक फोटो तुम्हारे बिना चाहिए। फोटो तो बहुत अच्छी आई है, अब इन्हें मैं स्कूल में सबको दिखा सकता हूँ। यम्मी को बहुत खुश हो जाएगी। मेहनत तो बहुत लगी लेकिन मजा आ गया, क्यों बच्चों, है ना? मम्मी का खाना भी बहुत टेस्टी था। अब बारी है लास्ट आइटम ट्रॉपिकल जूस की। चलो अच्छा सा पोज दो। पहले इसे पी तो लूं। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं हवाई में हूँ। अब बस सबके गिफ्ट्स बचे हैं, उसके बाद हमारी ट्रिप परफेक्ट हो जाएगी। उसका इंतजाम मैंने कर लिया केनिची, मुझे ये पास के दुकान से मिल गया। देखो तो कैसा है। वाओ, ये तो लाजवाब है। यूमी को सच में बहुत खुश हो जाएगी। किसका फोन होगा? हेलो, मैं मित्सुबा बोल रहा हूँ। क्या कहा, सच में? जी ठीक है। जी जी, मैं समझ गया।
जानते हो बॉस की हवाई ट्रिप कैंसिल हो गई है, इसलिए अब हम सब हवाई जाएंगे। अब आएगा असली मजा। अरे केनिची बेटा, तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हो रही है क्या? सबको दिखाने के लिए फोटो तो मैं पहले ही खींच चुका हूँ और अब तो मुझे सबके लिए गिफ्ट्स भी मिल गए। सबको दिखाने के लिए फोटो मिल गए मतलब? मर गया। इसका मतलब केनिची, तुम युमिको और बाकी दोस्तों को ये नकली फोटो दिखाकर बेवकूफ बनाओगे? ये तो बहुत बुरी बात है। आज मैंने इतना एंजॉय किया कि मेरा तो दिमाग चलना ही बंद हो गया है। तुम्हें अपने क्लासमेट से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कैमरा से सारी फोटोज डिलीट करो अभी के अभी। केनिची, अब तुम घर में रहकर यहाँ की देखभाल करोगे। वैसे भी तुम्हारे पास फोटोज और गिफ्ट तो है ही। ऐसा मत कीजिए, I'm sorry। इसीलिए तुम परफेक्ट फोटो खींचने के लिए इतने उतावले हो रहे थे। अब तुम्हें समझ में आया ना, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ कभी न कभी पकड़ा जाता है और हवाई जाने का मौका भी मिल सकता है। हवा हवाई।